श्रीराम राम 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 रवि के करसी तमहारिणी है अघहारिणी। खमांगणी, अखंड राजपूताना परिवार के सभी सदस्यों को जय माता जी की सा। मित्रों, मैं अर्जुन सिंह ठिकरिया। हाल ही में जिस प्रकार हमने यूनिटी ऑफ द रॉयल कल्चर का सुझाव अखंड राजपूताना परिवार के सदस्यों को पूरे भारतवर्ष में साझा करा है, जिसके चलते मैं भारत भ्रमण करते हुए आज दांता गुजरात आ चुका हूँ। मित्रों, आज मेरे समक्ष जो शख्सियत हैं, यूँ तो किसी भी प्रकार से उनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप में एक सिंबल हैं, आप अपने आप में एक स्तंभ हैं। आप आज मेरे साथ विराजमान हैं, आप हमारे एक कुंवर सा। कुंवर सा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट, आपने मुझे ये अवसर दिया और आपके कंट्रीब्यूशन और आपकी रियासत और आपकी रॉयल फैमिली को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। थैंक यू, आपका बहुत बहुत उपकार है हमारे ऊपर। जी कुंवर सर, ये आपका बड़प्पन है। कुंवर सा, वर्तमान की स्थिति को देखते हुए मैं थोड़ा सा संवाद के माध्यम से कुछ बातें आपको साझा करना चाहूँगा। जरूर। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुंवर सा, आप रॉयल परिवार से बिलोंग करते हैं, राजघराने से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपकी सोशल लाइफ बहुत ना के बराबर है, इसका कारण मैं आपसे जानना चाहूँगा। हमारी सोशल लाइफ ना के बराबर तो नहीं है, क्योंकि आज भी हमको अष्टमी का जो हवन होता है मंदिर में, वहाँ पे अभी जो नवरात्रि में अष्टमी का हवन होता है वो मेरे फादर करते आए थे। फादर की अपने तबियत बराबर नहीं है, तो मुझे उसके अवसर मिलता है करने के लिए जो हवन, और वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तो हमारे लाखों लोगों के साथ अभी भी संपर्क बना हुआ है। और हाँ, डेफिनेटली जो पहले जो रॉयल फैमिली जो राज करती थी और लोगों के साथ जो संपर्क में होते थे पूरे एरिया के साथ, उनके संपर्क में नहीं है, पर जो दांता लोकल है वो हर एक आदमी मुझे जानता है, हर एक आदमी के लिए मैं अप्रोचेबल हूँ, और हमारा नेटवर्क दांता में तो अभी भी काफी स्ट्रांग है और काफी लोगों से मिलते हैं। सो अम्बा जी के माध्यम से पूरा गुजरात देखता है हमको, जिसकी अष्टमी की पूजा होती है, नवमी की पूजा होती है और दशहरे की पूजा होती है, वो हवन में हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और सबके साथ हम मिलजुल के रहना पसंद करते हैं। बट अब क्या है कि ये अपना स्वतंत्र भारत है एंड वी आर प्राउड सिटीजंस ऑफ द इंडियन कम्युनिटी एंड वी ट्राई टू स्टे एंड अबाइड बाय द लॉज एंड व्हाट एवर प्रिविलेजेस वी हैव बीइंग बोर्न इन अ रॉयल फैमिली इज अ प्रिविलेज एंड जो ये प्रिविलेज है विच कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो। सो आपका जो मैनरिज्म है जो है वो आपको अपने हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि आपका जो राजपूत यूथ है वो आपको देख के आगे चलना चाहता है। क्योंकि इतना बड़ा टैग जब होता है एक रॉयल फैमिली का, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका भारत धरा पे है, आप अपने आप में एक सिंबल हैं, और निश्चित रूप से आपसे बहुत सारे युवान जो हैं इंस्पायर होते हैं, तो क्या हो आज की वर्तमान की जो सिचुएशन है उसमें यूथ अपॉर्चुनिस्ट होता है, तो वो आपके व्यक्तित्व से कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि रॉयल फैमिली का एक टैग है, आपका अपना एक कंट्रीब्यूशन है, आपकी अपनी एक फैन फॉलोइंग होनी चाहिए, तो आप इन सब चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं या फिर आपका कुछ अलग ही व्यक्तित्व है? इन सब चीज़ों को मैं अवॉइड तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। जितने भी राजपूत युवान हैं उनसे सबसे मैं यही बोलना चाहूंगा कि द फर्स्ट थिंग अबाउट लाइफ इज प्रॉस्पेरिटी। अगर आपके पास पैसा है तो ही आप आगे दुनिया में निकल सकते हैं, एंड अपना जो राजपूत युवान है अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन एंड थिंग्स लाइक दैट उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिल रही है। बट जितना आप राजपूतों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, जो खेती बाड़ी की जो इनकम थी वो डिक्रीज होती जा रही है, बिकॉज जैसे आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हमारे यहाँ पे जो मैनेजर थे, अब उसके पास 25 एकड़ जमीन थी एंड उसके 5 बेटे हुए, सो दैट नाउ द होल्डिंग इज ओनली 5 एकर्स, और उन 5 बेटों के भी बच्चे होंगे, सो आपके लैंड होल्डिंग्स कम होती जा रही है।
जो राजपूतों को जो अपने जितना मिलना चाहिए सरकार की तरफ से मिलता नहीं है, अपॉर्चुनिटी जितनी मिलनी चाहिए राजपूत को वो मिलती नहीं है। हाँ, हम दरबार हैं करके अपने रैली में सबसे ज्यादा आगे चलने वाले दरबारी होते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल है। तो सबसे पहले अगर अपने को युवाओं के साथ कुछ भी करना है तो उनको फाइनेंशियली स्टेबल करना है, गिव देम अपॉर्चुनिटीज, गिव देम जॉब, दैट इज द मेन एजेंडा एंड दैट इज व्हाट माय एडवाइस वुड बी टू एवरीबॉडी। कुंवर सर, चूंकि ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है कि मैं आपके समक्ष इस संवाद के माध्यम से बैठा हूँ, एक छोटे तबके के राजपूत को, एक छोटी फैमिली के राजपूत को आप तक पहुँचने के लिए किस प्रकार की प्रोसेस या किस प्रकार कोई प्रकार की प्रोसेस का कोई प्रकार की प्रोसेस की जरूरत नहीं है मेरे तक पहुंचने के लिए। लोकल मेरे जो राजपूत हैं यहाँ पे, वो दे मोस्ट फ्री टू गिव मी अ कॉल एंड कम एंड मीट मी, आई एम अवेलेबल फॉर देम। जब भी मैं दांता में होता हूँ तो मैं रोज मिलता हूँ, मैं 25-30 लोगों से रोज मिलता हूँ, और अभी भी मैं मिलने में मुझे कोई बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। और उनकी तकलीफें लेके और समाज की जो तकलीफ होती है, और समाज में जो गैदरिंग्स होती हैं, शादियां होती हैं, ये होती हैं, सब में मैं हाजिरी भी देता हूँ जहां तक हो सके, व्हाट एवर इज पॉसिबल, बिकॉज इवन आपके हिसाब से हमको भी हमारा बिजनेस करना पड़ता है एंड टू मेंटेन आर व्हाट एवर हेरिटेज लिटिल बिट व्हिच इज लेफ्ट ऑफ इट, उसको हमको मेंटेन करने के लिए भी हमको हमारा अस्तित्व में बिजनेस में ऑब्वियसली करना पड़ता है। सो फुल टाइम तो ऑब्वियसली मैं समाज को नहीं दे सकता, पर जितना हो सके उतना समाज को हम सेवा करने का चूंकि कुंवर सर, ये बात मैंने इसलिए आपको साझा करी। मित्रों, आज वर्तमान की जो स्थिति है राजघरानों के प्रति, एक्चुअली ऐसा नहीं है, चूंकि कुंवर सर ने हाल ही में इस मैगजीन के लिए बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा सपोर्ट हर प्रकार से यथासंभव करने का वचन भी दिया है, और आज मुझे ये अवसर मिला है, चूंकि जिस प्रकार की एक मेंटालिटी वर्तमान में बनी हुई है सोसाइटी में या अखंड राजपूताना परिवार में, कि राजघरानों को छोटे तबके या छोटी फैमिलीज की वैल्यूज़ नहीं है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है जैसा कुंवर सर ने अभी फरमाया। कुंवर सर, वर्तमान में अगर मैं आपकी डेली एक्टिविटीज़ की बात करना चाहूँ तो स्पोर्ट में आपकी क्या रुचि है? स्पोर्ट्स में मैं बॉम्बे के लिए खेलता था, अंडर 19 खेला हुआ, बॉम्बे के लिए क्रिकेट खेला हुआ एंड फिलहाल अभी नया रिसेंटली नाउ आई एम गेटिंग इनटू कोचिंग थोड़ा बहुत। सो आज इनफैक्ट कल की बात है, अजीत तेंदुलकर और सचिन तेंदुलकर के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, वी ओपनिंग अप बैटिंग अकेडमीज इन बरोडा एंड इन अहमदाबाद। सो सचिन इज कमिंग ऑन द 11th टू अहमदाबाद एंड प्रॉब्ली हमारा मीटिंग है एंड आई एम गेटिंग इनटू दैट बेसिकली। एंड यहाँ पे दांता में भी स्पोर्ट्स में बहुत रुचि रही है, हमारा खुद का क्रिकेट ग्राउंड है यहाँ पे, और अभी तक हम युवाओं के साथ, दांता के लड़के हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके साथ हमने वाकानेर की टूर करी हुई है, बहुत जगह गए हैं, यंगस्टर्स को क्रिकेट खिलाते हैं। यहाँ पे आप हमारी स्कूल देख लीजिए, यहाँ पे जैसे जो सर भवानी सिंह विद्यालय यहाँ पे दांता में बनी हुई है, दिस इज माय फादर्स ग्रैंडफादर, माय ग्रेट ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडफादर, व्हाट ही डिड वाज हमारे यहाँ पे छतरिया बनती है सोसाइटी में, अपने छतरी बनती है, जब राजा की मौत हो जाती है तो छतरियां बनती हैं, तो मेरे ग्रैंडफादर ने छतरी नहीं बनाई, उसकी जगह स्कूल बनाई और 9th, 10th, 11th, 12th को हम एजुकेशन देते हैं। ईयरली हमारी फीस इज जस्ट 20 rupees एंड वी हैव मोर देन 1000 किड्स इन दैट स्कूल, इट्स अ गवर्नमेंट एडेड स्कूल एंड वी स्टिल रनिंग इट एंड वी हैव ओन क्रिकेट ग्राउंड, सो वी हैव स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड वेरी शॉर्टली वी गोना हैव आवर एथलेटिक्स इवेंट्स एंड थिंग्स लाइक दैट एंड खेलो इंडिया इज गोना कम इन टू दांता which I have organized, so which is going to be happening very shortly। जी कुंवर सर, कुंवर सर, दांता जैसे मैं आ रहा था, मैंने कुछ खास चीज़ें यहाँ से ऑब्जर्व करी, जैसे आज भी जो राजपूताना कल्चर है, मैनर्स हैं, वो आपने संजो के रखे हुए हैं, तो आप इसे वर्तमान जीवन से, चूंकि आप बहुत डायनामिक पर्सनालिटी हैं, बहुत स्टाइलिश हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई विदेश में हुई है और आप हर प्रकार से, मतलब विदेश में तो नहीं हुई, बॉम्बे में हुई है, पर हाँ जी कुंवर सर, माफी चाहूंगा, मुझे उतनी जानकारी नहीं थी। तो कुंवर सर, वर्तमान की जो आपकी एक डायनामिक पर्सनालिटी है, एक अद्भुत आपका व्यक्तित्व है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो कल्चर है इसे आपने आज भी सजो के रखा है, तो इसका मुख्य कारण आपके जीवन में क्या है? सर, जो अपना कल्चर है वो अपने मान्यता है तो अपने पेरेंट्स से मिलता है, जो आपके घर पे सिखाया जाता है, और जो घर पे सिखाया जाता है वो उसके हिसाब से अपन मान भाव और उसके साथ चलते हैं, और हमने बचपन से देखा है जैसे मेरे बिहेव करते थे, मेरे ग्रैंडफादर जैसे बिहेव करते थे, और हमारी लाइनेज एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर लाइनेज, एब्सोल्युटली। एंड
आपको मैं दांता की थोड़ी एक ब्रीफ हिस्ट्री दे देता हूँ आपको मैं. सो वी बेसिकली वी आर अ परमा डायनेस्टी विच इज अग्निकुल. हम लोग आते हैं माउंट आबू से जो पांच गौमुख से मेरी पकड़ी हुई है. एंड विक्रमादित्य वॉज द 11th रूलर इन आर लाइनेज हु इसके पर विक्रम संवत लिखी गई है. राजा भोज इन आर लाइनेज. सो आर रूल वॉज उज्जैन. उज्जैन से फिर भोपाल आए. भोपाल से फिर सिंध नगरठट्टा. सिंध नगरठट्टा से चंद्रावती आबरोड के पास है. एंड देन तरसंग एंड देन दांता. दूसरी यूनिक बात दांता फैमिली की ये है कि आई वुड बी द 827th or 829th आई एम नॉट श्योर बट अभी तक अडॉप्शन कभी नहीं हुआ है. जिसे बहुत सारे राजघराणों में गोद लेते हैं बच्चों को. हमारे हमारी फैमिली में आज तक हाँ यंगर ब्रदर ने बहुत बार सक्सीड किया हुआ है. ये यंगर ब्रदर के लड़के ने सक्सीड किया हुआ है बट आज तक कभी गोद कोई नहीं आया है. सो ये आपकी प्योरेस्ट बडलाइन है विच इज अबाउट ऑलमोस्ट 800 जनरेशन. दैट इज वन थिंग विच इज वेरी यूनिक अबाउट द दांता फैमिली एंड द परमा डायनेस्टी. मित्रों जिस प्रकार आपने अभी कुंवरसा को सुना और अपने पूरे इतिहास को उन्होंने साझा करा, ये अपने आप में बहुत अद्भुत चीज होती है. चूंकि हम अक्सर लाइमलाइट वाली चीज़ों को पढ़ लेते हैं लेकिन डेप्थ और कहाँ से बिगनिंग है, कहाँ से शुरुआत है, उस चीज़ को अक्सर हम मिस कर देते हैं या देखने की कोशिश ही नहीं करते हैं. तो निश्चित रूप से कुंवरसा ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. और कुंवरसा इस संवाद के माध्यम से अब हजारों लाखों युवान आपसे जुड़ेंगे तो आप उनको किस प्रकार पिक करना चाहेंगे आपके जीवन में, अगर आपको अवसर मिले कि आप उनके लिए कुछ. मेरे से अवसर मिले तो खाली एक ही बात पे कहूंगा कि राजपूत आप पैदाइशी हो. आपके पास चॉइस नहीं है, आप राजपूत फैमिली में पैदा हुए हो. वो आप अपने आप कोई पटेल फैमिली में पैदा हुआ है, कोई ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ है. सो बेसिकली अगर आप कुछ बन सकते हो आपके फैमिली के नाम के साथ और उसको आप आगे कर सकते हो. एंड टुडे इज एज एंड डे. आज का जमाना कैसा है, जॉब का जमाना है, कॉर्पोरेट जॉब का जमाना है, खुद के उद्योग करने का जमाना है. एंड अभी इन गुजरात डेवलपमेंट बहुत है एंड लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग डेवलप्ड. गाय उद्योग है, मिल्क प्रोडक्शन है, ये है वो है. एंड हार्ड वर्क से ही आपको सफलता मिलेगी. सो माय थिंग इज परिश्रम करते रहो. जब तक आप परिश्रम करोगे आपको उसका फल मिलने वाला है. आज नहीं तो कल मिलेगा. बिल्कुल सहमत हूँ कुंवर साहब. एक और मैं बात आपसे जानना चाहूंगा. अखंड राजपूताना परिवार और संपूर्ण राजपूताना समाज, आप कौन से विचार को बिलीव करते हैं और क्यों? मैं एक ये विचार को मैं बिलीव करता हूँ, ये आपसे थोड़ा विपरीत है. खाली राजपूत मेरे सब्जेक्ट्स नहीं है. जी कुंवर साहब. एंड मैं सब्जेक्ट्स बोलूंगा मतलब मेरे भाई नहीं है. जी कुंवर साहब. मेरे भाई गरासिया भी हैं. जी कुंवर साहब. मेरे भाई पटेल भी हैं. जी कुंवर साहब. मेरे भाई ब्राह्मण भी हैं और मैं सबके साथ हूँ. खाली राजपूत समाज के साथ तो हुई. मैं भी सहमत हूँ. मैं राजपूत समाज के साथ तो हुई पर बाकी जो कम्युनिटीज हैं, जो दांता के एरिया में हमारे जो गांव हैं सब में रहती हैं, वो सब कम्युनिटी मुझे मिलती है. खाली राजपूत नहीं मिलते. तो मैं सबके साथ हूँ एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू डू. एंड आई वांट टू बी विद एवरीबडी, नॉट ओनली राजपूत बट राजपूत इज माई कम्युनिटी. दैट वॉज माई बर्थ राइट. सो मैं वहाँ राजपूत एक परिवार में पैदा हुआ हूँ. इसका और राजपूत का धर्म क्या है, आप अगर अपने मैगजीन लिख रहे हैं तो सबसे पहले राजपूत का मतलब यही है जो दुनिया की रक्षा करे. बिल्कुल सहमत हूँ. जो जो अपने रक्षक होता है वही राजपूत होता है. जो लड़ सकता है लोगों से वही राजपूत होता है. तो आप बाकी कम्युनिटी की आप रक्षा करने के लिए पैदा हुए हो. बिल्कुल. एंड दैट इज वाई योर ब्लड लाइन इज दैट. इसलिए ही राजपूत को ही सबसे आगे माना जाता है. ब्राह्मण पूजा और उसमें लगते हैं, राजपूत रक्षा के लिए रहते हैं. तो अपने अपना जो क्लैन है, जो राजपूत क्लैन है, वो गुड सोल्जर्स अच्छे बनते हैं. आर्मी में बहुत सारे राजपूत हैं, इसलिए आपकी राजपूत बटालियन है. पुलिस में आपके राजपूत लगते हैं. एंड इवन इवेंट ऑर्गेनाइजर्स में, अगर इवेंट्स में अगर आप राजपूत को अपॉर्चुनिटी देंगे तो सबसे ज्यादा अच्छे होस्ट राजपूत ही होते हैं. बिल्कुल. और यू नो अतिथि देव भव वो राजपूत का है. तो राजपूत जो आपको जितना जितना आपका उसके घर में अगर एक कप दूध होगा तो वो भी आपको वो चाय पिलाएगा. बिल्कुल. दैट इज हाउ राजपूत सा सपोज टू बी. कुंवर साहब और मैं कुछ और भी बातें आपको साझा करूंगा. मैं समय ले रहा हूँ. एब्सोल्युटली बोलिए. वर्तमान में जो व्यवस्थाएं हैं कल्चर के प्रति, संस्कार के प्रति, परंपरा के प्रति, ये कहीं ना कहीं लुप्त हो रही हैं. ये आपके जहन में है या कोई? ये जरूर लुप्त हो रही है. जी कुंवर साहब. एंड
अभी क्या हो रहा है तो मीडिया डिसीजन आ गया, आई मीन द लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग. सो जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन मैं छोटा था या आप छोटे थे, तो अपने टाइम पे खाली दो सीरियल आते थे, एक हीमान आता था, एक महाभारत आती थी, रामायण आती थी सुबह 9 बजे. आज आपके हर एक बच्चे के पास मोबाइल है, यूट्यूब अवेलेबल है. एंड अभी क्या हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज जो है वो हिंदुत्व अपना रही है एक्चुअली, और अपन यूरोपियन कल्चर अपना रहे. सो ये डाइवर्सिटी आने वाली है. इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने कल्चर से दूर हो रहे हैं, क्योंकि अगर अभी आप शादी करेंगे तो सात फेर तो लेते ही है ना. बिल्कुल. दो फेरों में तो मोबाइल पे नहीं कर सकते शादी. बिल्कुल. सो उसमें भी ब्राह्मण तो चाहिए आपको. सो वो तो अपने को करना ही है. सो इसका ये मतलब नहीं, पर हाँ मॉडर्नाइजेशन हो रहा है. आई वुड पुट इट एज मॉडर्नाइजेशन. और जो वेशभूषा, अपने पहले जमाने में आज से 10 15 साल 20 साल पहले आप आदमी को देखते थे, बोलते थे कि इसकी आपके उसकी कास्ट बता सकते थे कि ये इस कास्ट का है बिकॉज उसकी वेशभूषा ऐसी है. पर अभी वो कॉमनाइज हो गया है. इवन द ट्राइबल्स नाउ, आदिवासी जो हमारे यहाँ के ट्राइबल्स हैं, वो भी अपने पैंट शर्ट में आ गए. एंड इट इज मोर कन्वीनियंट. सो कन्वीनियंस के हिसाब से चीजें चेंज हो रही है. आई वुड नॉट पुश एनीबडी टू गो बैक टू 100 ईयर्स. वो 100 ईयर्स की जो पहले जो लाइफ स्टाइल थी वो अलग थी. अभी की जो लाइफ स्टाइल है वो अलग है. अभी अपने वर्ल्ड हैज बिकम वेरी स्मॉल प्लेस. ट्रैवलिंग हैज बिकम वेरी इजी. जैसे आपको मैं जब अहमदाबाद में प्लेग हुआ था और ये भादरी पूनम में जो संघ आते हैं, तो सबसे पहला जो संघ आया था वो लाल झंडा संघ आया था. इस टाइम उनका 175th ईयर था. 175 ईयर से आ रहे हैं और उनने चालू किया था ये. ये भादरी महीने में आते हैं और इनका ऐसा है, मान्यता ऐसी थी कि जब अहमदाबाद में प्लेग हुआ था तो अहमदाबाद में नगर सेठ थे, तो नगर सेठ ने 5 ब्राह्मण भेजे थे. तो आज भी वही रूट लेके आते हैं और अंबाजी में यहाँ पे 13 के दिन आते हैं, नांता में मेरे मंदिर में दर्शन करते हैं, फिर वहां से आगे आते हैं अंबाजी में ध्वजा चढ़ाते हैं. सो उसकी वजह से आज की तारीख में लाखों लोग चलने लगे, विच यू डोंट नो अबाउट भादरी में चल के क्यों आते हैं. आप मुझे बता सकते हैं भादरी में चल के क्यों आते हैं? एक्चुअली मुझे नहीं पता है. मुझे भी नहीं पता. क्योंकि अगर एक आदमी चलता है तो अपनी क्या है कि वो भगदड़ मच जाती है. एक आदमी चलेगा उसके पीछे हम भी चलेंगे, दूसरा आदमी चलेगा उसके पीछे हम भी चलेंगे. तो वो 5 ने चालू किया 175 ईयर्स पहले, तो अभी उसके पीछे दूसरे 10 आ गए, उसके दूसरे 10 आ गए, उनके विभाजन होता है, अभी लाखों आदमी चल के आते हैं. सो बेसिकली जो आप बोल रहे हैं आस्था, जितना ज्यादा मॉडर्नाइजेशन होगा उतनी लोगों की आस्था भगवान की तरफ बढ़ेगी, कम नहीं होगी. और उसमें लोग आपका एडवांटेज भी लेंगे. बहुत सारे फेक गुरुज भी आए हुए हैं, बट मैं तो खाली इतना ही मानता हूँ कि गुरु आपका जो भी हो, गुरु भी नमता है माता जी के सामने या शंकर भगवान के सामने या भगवान के सामने, और अपने सबसे पहला उनके सामने नमना है और बाकी लोगों की बातों में आना नहीं है. बहुत अद्भुत बात अभी कुंवरसा ने साझा करी. और कुंवरसा के संवाद के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि कुंवरसा मात्र एक टैग लेकर इस धरा पे नहीं पैदा हुए हैं. कुंवरसा की एक अपनी स्टडी है इस कल्चर के प्रति. और कुंवरसा ने एक बहुत खास बात यह की कि 36 कौम की हमारी जो एक जिम्मेदारी है उसे कुंवरसा भी बिलीव करते हैं. कुंवरसा एक और बात मैं आपसे खास जानना चाहूँगा. आप दांता विराजते हैं और बिजनेस के संबंध से कई जगह पे आपका कारोबार है और आपका कई जगह आना जाना भी होता है. कोई दूसरे राज्य का राजपूत आपका बहुत बड़ा फैन है, आपसे जुड़ना चाहता है, आपके लिए कुछ कार्य करना चाहता है, तो उसके लिए आपके जहन में कितनी जगह है? और समस्त हिंदुस्तान के राजपूत मेरे भाई हैं जी. कुंवर साहब तो जब भी मिलना चाहे मिल सकते हैं जी, और कुछ भी करना है मैं तैयार हूँ जी. सबके लिए. और अपने आप वापस बोल रहे हैं पर राजपूत समाज बहुत छोटा है जी. कुंवर जो जितने दूसरे लोग हैं जी कुंवर साहब वो बहुत ज्यादा है जी. कुंवर राजपूत समाज एकदम बहुत एक छोटी कम्युनिटी है कुंवर साहब. और हम एक दूसरे के ब्रदर्स ही हैं जी. कुंवर साहब और जैसे गरासिया जो हमारे यहाँ में ट्राइबल्स हैं जी. कुंवर साहब अब उनमें हम समूह लगन होता है महाराणा जयंती के दिन पे. अंबाजी में वर्गड़ होते हैं. दिस ईयर आई थिंक 50 कपल्स गॉट मैरिड, लास्ट ईयर इट वाज 100. एवरी ईयर ये प्रोसेशन होता है जी. कुंवर साहब उसमें भी हम जुड़ते हैं जी. कुंवर और बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है जी. कुंवर सो ऐसी एक्टिविटीज में अगर कोई बाहर का राजपूत मिलना चाहे और करना चाहे तो हम तैयार हैं. हाँ, हर एक चीज में वायबिलिटी और होना चाहिए. अगर राजपूत मिलता है तो बहुत अच्छे से मिले, अगर उसका प्रपोजल मुझे वायबल लगेगा तो मैं उसको एब्सोल्युटली हेल्प करूंगा जी. कुंवर साहब, कुंवर साहब आपके इसी संवाद के माध्यम से एक बात मेरे जहन में निकली. आज
छोटे तबके के जो राजपूत हैं या मिडिल क्लास फैमिलीज के राजपूत हैं, उनको ये क्यों लगता है कि जो रॉयल फैमिलीज हैं उन्होंने हमें? सर मैं आपको बताता हूँ, इसमें ये हिंदुस्तान सरकार की प्रॉब्लम नहीं है, ये ब्रिटिशर्स ने लाया था। जी कोर्स आपको जैसे मियो कॉलेज है, माय फादर इज मियो कॉलेज एजुकेटेड, माय वाइफ इज मियो गर्ल्स एजुकेटेड, डून स्कूल है, एजुकेटेड इंस्टीट्यूट से। नाउ द व्हाट द ब्रिटिशर्स डिड वाज ब्रिटिशर्स वांटेड टू क्रिएट अ डिस्टेंस बिटवीन द लोकल्स एंड द रॉयल फैमिलीज एंड दे वर सक्सेसफुल। ब्रिटिशर्स का यही था मानना कि रॉयल फैमिलीज को जितना दूर रखो, योर हाइनेस शुड हैव अ बंगलो इन आबू विंटर हाउस, योर फोर फादर्स लिव्ड इन द समर्स इन दांता, व्हाई वुड यू वांट टू गो टू आबू, बट यू नो आबू में वो बहुत गर्मी है आपके दांता में। सो वो जो ब्रिटिश कल्चर था और लोगों से दूरी बनाई क्योंकि वो सक्सेसफुली रूल कर सके, वी वर पपेट्स अंडर देयर हैंड्स, वी वर पपेट्स अंडर द ब्रिटिशर्स हैंड। और इसलिए आज भी आज के दिन में भी लोगों के पास वो शंका है कि कैसे अप्रोच करें फैमिलीज को। बट अगर आप अभी ये टाइम इज हैव चेंज्ड, ब्रिटिश गए अभी 70 इयर्स हो गए, बिल्कुल सहमत हूं, 70 ईयर्स हो गए, पर अभी भी उनकी जो थिंकिंग है वो अभी तक चेंज नहीं हुई है लोगों में। एंड आई डोंट नो अबाउट अदर स्टेट्स, बट मैं दांता के बारे में आपको इतना वाउच करके कह सकता हूँ कि हमारे कोटड़ियां हैं, 9 कोटड़ियां हैं दांता में, और बाकी राजपूत हैं, और सब राजपूत के साथ लगभग 90% जो राजपूत होंगे दांता पूरे तालुका के और फॉर्मर दांता स्टेट के, वो सब मेरे कॉन्टेक्ट में। मेरे नीतम परमवीर सिंह के कॉन्टेक्ट तो हैं डेफिनेटली, बिल्कुल नहीं, आपसे भी है कुबर साहब, आपका अपना एक अद्भुत व्यक्तित्व है और ये एंड भाई दिस इज अ फैमिली फैमिली प्रोसेस। जी कोर्स। सो बेसिकली मैं इतना बोलना चाहूंगा कि जैसे परमवीर सिंह है, अजय राज सिंह इज मैं काका, मानमय सिंह जी हैं अंबाजी में है, सो हम लोग एक दूसरे से परे नहीं है, हम लोग सब एक साथ ही करते हैं काम, और आज की तारीख में हम लोग हमारी ग्रोथ और ये है बिकॉज हमारे में इनफाइटिंग नहीं है और हम लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। दैट्स व्हाई द दांता फैमिली इज नाउ प्रॉस्परिंग अगेन। मैं भी भवानी से प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार एक संगठित होकर आपने इस रॉयल फैमिली को अब तक मजबूत बना के रखा है, ये भविष्य में भी रहे और सदैव रहे। कुंवर साहब, मैंने हाल ही में ये मैगजीन के संबंध में आपको कुछ विचार साझा करे थे, आप इससे कितना सहमत हैं और इसका भविष्य आप कैसे देखते हैं? आपकी मैगजीन से तो मैं सहमत हूँ, इसलिए मैं आपके साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ, और इससे मैं सहमत हूँ। आपने जो मुझे फोटोज ही भेजे थे व्हाट्सएप पे, फॉरवर्ड पे आपने करे थे, बहुत सारे स्टेट्स को आप ले रहे हैं साथ में, इसमें वन थिंग इट शुड बी इकोनॉमिकली वायबल फॉर द कॉमन राजपूत। सो इसकी आप जो भी है वो कॉमन राजपूत जो है वो अपने घर में रख सके, और वो अगर अपने घर में रख पाएगा तभी आपकी पॉपुलरिटी बढ़ेगी। सो इसका एक वायबल होना चाहिए, इसका एक सोर्स होना चाहिए। एंड वाई राजपूत, मेरा आपसे प्रश्न है, व्हाई राजपूत? दिस शुड गो टू एवरी हाउस व्हिच इज पॉसिबल। जी कुंवर सर, आई मीन इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू कैन ओनली गिव इट टू राजपूत, यू शुड बी गोइंग टू इवन द पटेल्स, इवन द ब्राह्मण्स, एवरीबॉडी, बिकॉज आपके राजपूत होने के कारण ही ये सब आपसे से सकड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ये जितनी भी कम्युनिटीज हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू गिव मी लाइक 20 मिनट्स एंड आफ्टर दिस इंटरव्यू आप बैठिए मेरे साथ, आई विल गिव यू अ मीडिया प्लान हाउ टू लॉन्च अ मैगजीन एंड हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड टू एवरी हाउस होल्ड। जी कुंवर सर, ये बहुत बड़ी बात आपने साझा करी और निश्चित रूप से मैं इस पर विचार करके काम भी करना चाहूंगा। कुंवर सर, जिस प्रकार आपने कहा कि हम ये सिर्फ राजपूतों में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्चुअली हमारी कोशिश है कि हमारे इस कल्चर को हम फर्स्ट एडिशन में 50,000 लोगों तक पहुंचाएं। सर आपकी बहुत अच्छा है ये बात है, एंड इनफैक्ट आज की तारीख में फॉर एग्जाम्पल प्रियंका चोपड़ा, आई गिव अ वेरी गुड एग्जाम्पल, प्रियंका चोपड़ा का मैं एग्जाम्पल देता हूँ, व्हाई वुड शी कम एंड मैरी इन उमेद भवन पैलेस? Because they want to follow the Rajput culture. Right, actually. Have you thought about it? All your big weddings are in palaces. Till date. That's how the palaces of India are making money. Even Patels hoye, jo bhi hoye families. Because they want to see the Rajput culture. Bilkul, main sahmat. And Rajput culture was a very royal culture. Which is very grand. And we did everything in a grand way. So now people are wanting to follow this. Who have the money. And with your magazine, if they can see how the Rajput culture flourished and how it is right now, it will be a great benefit for the local people also of Ahmedabad and Gujarat. Why not? Why do you want to keep it limited? जी कुंवर साहब, definitely कुंवर साहब, अब आपके आशीर्वाद तले मैं इसे limit नहीं limitless करने जा रहा हूँ। कुंवर साहब, आपने बहुत ही valuable समय दिया और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ।
मैं एक बार आपसे खास निवेदन करना चाहूँगा कि आपके जो भी फॉलोअर्स हैं, लाइकर्स हैं, आपके जितने भी चाहक हैं, आप उनसे अपील करें कि इस मैगजीन के सदस्य बने, क्योंकि ये हमारा अपना इतिहास है, हमारी अपनी परंपरा को दिखाने के प्रयास रूप से हम इसे माध्यम बनाने जा रहे हैं। तो प्लीज आप एक मैसेज मेरी तरफ से दीजिए। जी कोर्स, ये मैगजीन है रॉयल मनोर्स, इसमें अमुक राजपूत फैमिलीज और सबका इतिहास लिखेंगे भाई अंदर, और फैमिलीज को जानना मिलेगा। आपके घर में अगर आपको जानना चाहते हैं इसके बारे में, इसका इतिहास जानना चाहते हैं और उसमें पढ़ेंगे, तो आपको अपने राजपूत कल्चर के बारे में ज़रूर पता पड़ेगा। एंड भाई को मैं उतना हेल्प करना चाहूँगा इसमें कि जितना अच्छा लिख सकें और जितना अच्छा हेल्प कर सकें, और इसके अंदर अगर आपका भी नाम आता है और आपके भी अगर फोटोग्राफ्स उसमें आती हैं तो आपका भी नाम और सम्मान बढ़ेगा। सो एब्सोल्युटली इसके साथ आप जुड़ सकते हैं, मेरा सपोर्ट तो है ही, बाकी जनता जैसे उनको कहा चाहे वो कर सकती है। दूसरा कुंवर सर, आप ही की उपस्थिति में एक मैं संदेश साझा करना चाह रहा हूँ। मित्रों, जिस प्रकार आजकल समाज में, परिवार में बातें होती हैं कि बड़े लोग होते हैं, राजघराने के लोग होते हैं, हर प्रकार की ऐश्वर्य वैभव उन्होंने देखा होता है, तो उनको निचले स्तर की कुछ पड़ी नहीं होती है। आज कुंवर साहब ने जिस प्रकार आपको एक एक करके अपने पूरे जीवन काल को अब तक साझा करा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी विचारधारा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो विचार आप लोगों में या कुछ लोगों में पल रहा है वो इस संवाद के माध्यम से दूर हो पाएगा। कुंवर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू और थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।